हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में एज एवरीवन नोज हम लोग अपना टेक्स्ट पैक रिवील करने वाले हैं 400K का। सब कुछ इधर रेडी है, मैं बस दो मिनट में आपको बता देता हूँ कि कैसा सब दिखता है। लेकिन अगर आपको ये डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, इसका लिंक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में है। तो अगर आपको ये डाउनलोड करना है, आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक कम्युनिटी में किसी ने नहीं करी हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे चलते हैं हम लोग बहुत सिंपल चीज़ों की तरफ, जो कि थोड़ी कूल कूल चीज़ें हमने ऐड करी हैं, जैसे ये छोटे छोटे एनिमेशन चेंजेस। ये मेरे पुराने पैक में था अगर आपको याद होगा, लेकिन ये गोल्डन एप्पल में था, एंड गोल्डन एप्पल इस बार टोटली अलग है, ठीक है। एंड पर्ल भी इस बार काफ़ी अलग है, हर एक एक चीज़, ठीक है। गोल्डन कैरेट में एक एनिमेशन है, जब आप खाओगे तो आपको गोल्ड एक वाइट कलर का एक शाइन मिलेगा, सेम विद गोल्डन एप्पल एंड नॉच। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये पफर फिश एक्सिलोटल नाच रही है, एंड एक एनिमेशन अच्छे से क्रिएट करी। ये देखो स्पाइडर आई कितनी कूल है, ये लेजिट हिल रही है भाई। उसके बाद ब्लेज रॉड का एनिमेशन बदला है, एनचैंटिंग बॉटल का एनिमेशन हम लोग ने बदला है हाथ में। उसके बाद स्लाइम से स्लाइम निकल रही है, ग्लो स्टोन से एक शाइन आ रही है, फैंटम मेम्ब्रेन में अलग है, नदर स्टार। तो भाई साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ये बहुत मस्त है। हनीकॉम मेलन शल्कर जो होता है वो भी अलग है। चलो ये सब तो थे आइटम्स, मिल्क बकेट भी अलग है, डायमंड भी अलग है, डायमंड बहुत अच्छा है वैसे, एक बहुत अच्छा शाइन इससे आ रहा है। ये सब तो आइटम्स नॉर्मल आइटम्स थे जिसमें मैंने एनिमेशंस डाले हैं, वो तो चलो ठीक है। आपको दिखाता हूँ उससे भी बेटर थोड़ी चीज़, ये है बैनर्स, ठीक है। इन सब का मैं एक मॉन्टाज एंड में दिखाऊंगा, तो आपको फील होगा द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेक्सचर पैक एंड मेरा टेक्सचर पैक। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग है, ये ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं, ये देखो। इसका मैं एक मॉन्टाज बनाऊंगा। उसके बाद ये है हमारे स्वॉर्ड्स इस बार के, ये है हमारा नॉर्मल नेदराइट स्वॉर्ड, ये में है हमारा एक्स, जो कि एक्स को बदला नहीं गया है क्योंकि एक्स कुछ ज़्यादा ही ओपी वैसे ही दिखता था। इस बार ब्लेड ऑफ स्पाइडर्स एकदम अलग है, ठीक है, लास्ट टाइम से एकदम अलग है, एनिमेटेड है और इसमें स्पाइडर वाली फील है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और इस बार भाई ये खतरनाक सा हैमर है, जो कि अगर आपको कभी यूज़ करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप बस कूल दिखाने के लिए कर सकते हो। आई डोंट नो अगर इसको मैं यूज़ करूँगा एक्स ऑफ स्पाइडर्स, मैंने बस सोचा कि ये थोड़ी यूनिक चीज़ है, इसमें स्पाइडर वाली थीम भी है, आंखें हैं देख सकते हो, वरना आप इस वाले एक्स को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मोस्टली तो यही एक्स यूज़ करूँगा, लेकिन आप लोग के लिए क्या पता आप लोग को पसंद आए, मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी है ना। और ये सब तो रहे नॉर्मल चीज़ें, अब मैं आपको दिखाऊँगा कुछ ज़्यादा ये कैपिंग चीज़, ठीक है, तो जस्ट बी रेडी। ये देखो, ओके, सो सबसे मेन चीज़ जो पैक के मैंने डाली है एंड जो अब तक किसी ने यूज़ नहीं किया है, वो है ये। ये ज़ॉम्बी अभी आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, बट जैसे जैसे इसको मैं मारूंगा, इसको थोड़ा सा दर्द होएगा, एंड ये आई डोंट नो इसको क्या हो गया। हाँ, ये बहुत सैटिस्फाइंग है बाय द वे, हमारा टोटम पॉप। बट ये ज़ॉम्बी जो है, इसको थोड़ा सा दर्द हो गया, यू नो, जैसे जैसे इसको डैमेज पड़ेगा वैसे वैसे टूटता जाएगा। सेम विद क्रीपर, क्रीपर का तो भाई आपको मैं दिखाता हूँ, उसके अंदर लिटरली एक TNT है भाई, और इसका मुंह वो सब फट जाता है, टूट जाता है। ये देखो, ये देखो, जैसे जैसे डैमेज मॉब्स को पड़ेगा वैसे वैसे, अगर मैं इस पे हीलिंग का पोशन फेंक दूँ अभी तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो हील हो रहा है वो, बट जैसे इसको मैं एक क्रिट मारूंगा, ये देखो टूट फूट गया वो। ये देखो, सेम विद एंडरमैन गाइस, ये देखो इसका हार्ट टूट गया है, इसकी आंख फट गई, देख रहे हो। और बाय द वे टोटम तो मैंने इनको कमांड से दिया, बट ये सारी चेंजेस अब तक भाई किसी पैक में नहीं है। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे क्रिस्टल पीवीपी के लिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, एंड पर्सनली मुझे खुद हो रहा था। पूरी तरीके से पार्टिकल्स मैंने ऑफ कर दिया, इस पैक को आप क्रिस्टल पीवीपी के लिए भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों को बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप एनिमी का क्रिस्टल टोटम पॉप कर रहे हो और अपने क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो। एंड यही सारी चीज़ें थी जो मैंने चेंज करी है, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉम्प्लेक्स भी नहीं किया है, बिकॉज पैक को मुझे डिफॉल्ट लुक रखना था ताकि माइनक्राफ्ट का रियल फील आते रहे जब आप खेल रहे हो। मैं एक छोटा सा मॉन्टाज आपको दिखा दे रहा हूँ कंपेयर करते हुए कि पैक पहले कैसा था और अब कैसा है, एंड उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो इस पैक को। ओके, सो पैक डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को बेसिकली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डिस्कॉर्ड का, उसको ज्वाइन कर लेना है, तो आप आ जाओगे मेरे सर्वर पर, एंड आपको फिर बस नीचे स्क्रॉल करना है चिट चैट में। अगर आप यहाँ पे टेक्सचर लिखोगे तो आपको एक बॉट ऑटोमेटिकली, ये देखो ये बंदे ने लिखा है इधर, आप इधर आ जाओगे, वरना एक बॉट आपको बोल देगा कि आपको इधर आना है, नहीं तो आप खुद से भी आ सकते हो। प्रेफरेंसेस के अंदर टेक्सचर पैक करके एक चैनल है, यहाँ पर देखो मैंने अपने टेक्सचर पैक के लीक्स डाले हुए हैं। यहाँ पर मैं अभी बस 5 मिनट बाद अपना टेक्सचर पैक अपलोड करने वाला हूँ, यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में, ओल्ड पैक भी ऊपर ही है, तो अगर आपको ओल्ड पैक ट्राई करना वो भी कर सकते हो।
और MCPE वालों के लिए और बेडरॉक वालों के लिए भी पैक यहीं पे अपलोड होने वाला है। तो सब जावा, MCPE और बेडरॉक, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलेगी। एंड आपको पता है आपको क्या करना है, बस डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना है, पैक लेके लीव मत करना गाइस, बिकॉज यहाँ पर होने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स। यहाँ पर ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं टेक्सचर पैक के लिए, दे दो सन भाई कोई कह रहा, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो हाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करो, पैक यूज़ करो, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।